हे गाइस, दिस इज़ डीमन एंड वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे आप लोग? तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिक्स फिंगर क्लो का बेस्ट सेटअप और कुछ टिप्स दूंगा कि आप सिक्स फिंगर क्यू शिफ्ट आपको क्यों होना चाहिए और सिक्स फिंगर क्लो क्यों बेस्ट है। तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ, तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डेली लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड की लिंक है तो ज्वाइन कर लेना। अगर कुछ बात करनी होगी तो मुझे डिस्कॉर्ड पर बता देना। तो गाइस अगर आप फोर फिंगर या फिर थ्री फिंगर या फिर थंब पे खेलते हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सिक्स फिंगर पे क्यों शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फोर फिंगर प्लेयर हो तो आप एक ही टाइम पे क्राउच और पिक करके नहीं मार सकते, लेकिन सिक्स फिंगर में आप ऐसा कर सकते हो। मतलब एक ही टाइम पे क्राउच करके और पिक करके दोनों तरीके से आप मार सकते हो सामने वाले एनिमी को। तो वही मैं आपको बताऊँगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं एक ही टाइम पर पिक कर रहा हूँ, क्राउच कर रहा हूँ और शूट भी कर रहा हूँ, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले आप मेरा ये सेटअप देख लो कि मेरा सेटअप कैसा है। तो ये मेरे हिसाब से ये मेरा बेस्ट सेटअप है, क्योंकि अगर आपको भी यही सेटअप अगर चाहिए तो आप यही कॉपी कर सकते हो, लेकिन आप आपके हिसाब से बनाओ ले। तो मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट सेटअप है। अगर आप इसे भी रखते हो तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते हो। तो आपको ये सेटअप ऐसा पहले पूरा रख लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ड्रिल्स बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ और मेरा शूटिंग मतलब रिकॉइल भी अच्छे से कंट्रोल हो रही है और मैं पिक और क्राउच भी एक ही टाइम पे कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फोर फिंगर खेलूँगा तो वो मैं एक टाइम पे नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जो टाइम लगता है मतलब एक या दो सेकंड उसमें चले जाते, तो वो टाइम में अगर आप का एम अच्छे से नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आप फोर फिंगर नहीं खेल सकते, फोर फिंगर भी अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो सिक्स फिंगर ही बेटर है, क्योंकि अगर आप वो एक दो सेकंड लेट हो जाते हो ना तो सामने वाला बंदा आपको मार के चला जाएगा और वो उसकी वजह से आप गेम में मर सकते हो। तो ये मेरा भाई का सेटअप है फोर फिंगर का। तो मैं आपको फोर फिंगर में बताता हूँ कि क्या अगर आप खेलोगे तो मर सकते हो। तो देखिए, पहले तो मैं एम करूँगा, फिर पिक करूँगा और फिर क्राउच करूँगा। वैसा तो मतलब एक सेकंड का तो टाइम ही लगेगा, क्योंकि आप फोर फिंगर पे खेल रहे हो तो आपको एक एक बटन पे शिफ्ट होने में थोड़ा मतलब टाइम तो लगता ही है, आधा सेकंड का भी तो टाइम लगेगा ही आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पहले मार रहा हूँ, मतलब एम कर रहा हूँ, फिर क्राउच करूँगा, फिर पिक करूँगा, तो उतने में वो टाइम जो लगता है वो लगता है। लेकिन उसी जगह पर अगर मैं सिक्स फिंगर पर खेलूँगा, मतलब अगर मैं सिक्स फिंगर खेलूँगा तो मैं पिक भी एक ही मतलब एक ही टाइम पे सब कर सकता हूँ। मतलब आप देख ही सकते हो कि कैसे मैं मारता हूँ, मैं मतलब मेरे रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाते हैं और मैं सामने वाले बंदे को मार देता हूँ। अभी तो मैं डुओ पुश कर रहा हूँ, तो अगर मेरे साथ वन वी टू का सिचुएशन हो जाता है तो मैं सामने वाले बंदे को मार देता हूँ, क्योंकि मेरा रिएक्शन और ड्रिल्स बहुत ही फास्ट हो गए सिक्स फिंगर पे, क्योंकि पहले भी मैं जब फोर फिंगर खेल रहा था तब इतने मस्त मतलब फास्ट नहीं होते थे मेरे ड्रिल्स, क्योंकि फोर फिंगर पे टाइम तो लगता ही है आपको बटन जो है वो स्विच करने में, क्राउच और प्रोन का या फिर पिक का। तो ये फ़ायदा कि अगर आप सिक्स फिंगर मतलब खेलते हो तो आपको ये फ़ायदा तो रहता ही है। तो देखो, मैं अभी तो तुम्हें एक पहले एग्जांपल बताता हूँ। मतलब समझ लो एक कवर है और सामने जो टारगेट है वो एनिमी है, समझ लो ऐसा कि सामने एनिमी है। तो सिक्स फिंगर पे कैसा, मैं एक ही टाइम पे मतलब क्राउच भी कर सकता हूँ और उसे मार भी सकता हूँ, लेकिन वैसे ही अगर मैं फोर फिंगर पे करूँ तो आप देख लो फोर फिंगर पे कितना टाइम लगता है। मतलब मुझे मतलब समझो उसके पास कार 98 है और वो उसने आप पे शॉट ले, तो आप मतलब एम करके क्राउच नहीं कर सकते ना एकदम फास्ट में, लेकिन
वैसा नहीं। यहाँ पे देखो, अगर मैं पहले पीक लूँगा फिर मेरा एम जो है वो जाएगा और उसके बाद मैं शूट करूँगा, लेकिन सिक्स फिंगर पे वैसा नहीं रहता। सिक्स फिंगर पे आपके मतलब आप फास्टली आप रिएक्ट कर सकते हो और आपके रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, बहुत ही परफेक्ट हो जाते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मुझे पिक, मतलब मैं पहले पिक कर रहा हूँ उसके बाद मार रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसी जगह पर सिक्स फिंगर करूँगा तो आप देख लेना कि मेरे रिफ्लेक्शन में कितने फास्ट हो जाते हैं। मतलब तो ये सामने वाला बंदा है समझ लो, तो देखो मैं पिक कर रहा हूँ, क्रच कर रहा हूँ और मार भी रहा हूँ। देख ही सकते हो आपकी मेरे रिफ्लेक्शन बहुत, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही फास्ट मेरे मूवमेंट हो रहे हैं और मैं पीक भी बहुत फास्ट कर रहा हूँ और मेरा एम भी बहुत ही बराबर आ रहा है। तो आप समझ लो सामने भी एनिमीज है, तो आप बाहर आओगे फिर मारोगे। मतलब आपका जो एम तो आपका अच्छा ही रहना ही चाहिए, लेकिन आप मूवमेंट जो आपके रहते वो बहुत ही फास्ट हो जाते हैं। वैसे ही अगर आप स्नाइपिंग प्लेयर, मतलब आप स्नाइपिंग करते हो तो उसमें भी आपको यही फ़ायदा रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप स्नाइपिंग में कैसे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो पहले तो मैं आपको फोर फिंगर पे बता देता हूँ कि स्नाइपिंग अगर आप करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा और उस टाइम में आपको सामने वाला बंदा मार के चला जाएगा। ये देखिए, अगर आप पीक लोगे फिर एम लोगे फिर मारोगे, और अगर आप खड़े हो, मतलब आप खड़े हो तो आपको क्राउच भी करना है। तो अगर उसने आप पर एम लिया है तो आप एक ही साथ नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि आपके पास सिर्फ दो ही मतलब एक्स्ट्रा बटन से। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप मतलब देखो मेरे रिफ्लेक्शन बहुत ही फास्ट हो रहे हैं क्योंकि मैं पीक भी एक ही टाइम पे कर रहा हूँ और फायर भी एक ही टाइम पे कर सकता हूँ। तो यही पॉइंट्स थे कि मुझे आपको बताना था कि सिक्स फिंगर पे आपको क्यों शिफ्ट होना चाहिए। तो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो गाइज, मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।